वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सत संगत जी, जरूरी सुनेहा सुनियो भी और वध तो वध शेयर भी करो। सारिया संगतों को पता है धन बाबा दीप सिंह जी तिना दा पावन पवित्र आगमन पुरब 27 जनवरी नू आ रहा है। इस संबंध के जिन्हें भी परिवारक मैंबर तुसी रोज़ कीर्तन सुनते हो जुड़ते हो सबनों मैं निम्रता सहित बेनती करदा आपो अपने घर खुले पाठां दियां लड़ियां प्रारंभ कर दिओ। जिहड़ा सुखमनी साहब जी दे पाठ कर सकदा सुखमनी साहब जी दे पाठ, जिहड़ा सहज पाठ कर सकदा सहज पाठ। मेरे मन की भावना है एक परिवारक मैंबर एक सहज पाठ की हाजरी जरूर भरे बाबा दीप सिंह जी दीआं खुशियां लैण दे लई। जिहड़ा सहज पाठ नहीं कर सकदा वो दो रोज़ सुखमनी साहब जी दे पाठ करी चले। जिहड़ा सुखमनी साहब नहीं कर सकदा रोज़ 10 पाठ घट तो घट जपजी साहब जी दे जरूर करे। जिहड़ा ये भी नहीं कर सकदा प्यारे ओ भावें 6 माला मूल मंत्र दियाँ भावें 80 माला वाहिगुरू वाहिगुरू शब्द दियाँ वो फेरनिया शुरू कर देवे। बाकी तुहाडी खुशी चौपाई साहब जी दे पाठ करो, भावें तुसी गुरु पिता जी दियाँ खुशियां लैण वास्ते कोई भी बाणी प्रेम दे नाल पढ़ो। ये मेरी बेनती है बाबा दीप सिंह साहब जी दियाँ खुशियां लैण वास्ते सारियां संगतां ने आप ते जुड़ना ही है। जे कोई तुहाडे घर दे विच कम करन वाली जां कम करन वाला भी आउंदा तुहाडी दुकान दे उत्ते कोई काम भी करदा तुहाडा हैल्पर भी है ना उहनूं भी बाणी दे नाल जोड़ दे। उहनूं कहो बाबा दीप सिंह दीआं खुशियां लैण वास्ते तूं वी बाणी दा वध तों वध नेम कर। हर प्रेमी एक कापी ला लो, कापी दे उत्ते नोट करना शुरू कर दिओ अज मैं इस तरीक नूं इन्नी बाणी पढ़ी, बाबा दीप सिंह जी ने अज इन्नी सेवा मेरे कोलों बाणी पढ़न दी लई, अज मैं इन्ने पाठ कीते इन्नी सेवा। और जिन्नी भी ये गिणती होएगी जिन्नी भी तुसीं बाणी पढ़ोगे ये सारे बाणी दे वड्डे प्रवाह की अरदास 27 जनवरी नूं बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीर्थ रोड जो 27 तरीक नूं चुपहरा होएगा उस चुपहरे की समाप्ति ते ये खुले पाठां की अरदास होएगी। 27 और 28 बाबा दीप सिंह जी दे आगमन दिन की खुशी विच 2 चुपहरे बाबा दीप सिंह जी ने साडी झोली च पाए ने सवेरे 10 बजे तो शामी 4 बजे तक 27 और 28 नूं भी। ये मेरी बेनती है वध तों वध बाणी दे प्रवाह चला दिओ, घर घर दे विच्चों गुरबाणी दी गूंज दी आवाज़ सुने। ये मेरी निम्रता सहित तुहाडे चरणां दे विच बेनती। दोवें दिन राम तीर्थ रोड आउण वास्ते सवेरे 8:30 बजे बीबी कौला जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहब तो गड्डियां दा प्रबंध किया गया जड़ियां तुहानू राम तीर्थ रोड लै भी आउणगियां और वापसी छड भी देणगियां। भुल्लिओ ना बाबा दीप सिंह जी दे आगमन ते असी बाबा दीप सिंह जी नूं गुरबाणी दी भेटा देनी है ते जदों बाबा दीप सिंह जी नूं असी गुरबाणी दी भेटा देंगे बाबा दीप सिंह जी सानूं लोक परलोक दीयां खुशियां देणगे, साडे रुके होए कम चलणगे, बरकतां दीयां मुठ्ठां खोलणगे। ये मेरी बेनती प्यारिओ आओ गुरबाणी दे इस प्रवाह दे विच सारी संगत मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ दिओ। और ये जो पाठां दी गिणती है तुसी सानू 25 जनवरी तक जो देन दी कृपालता करनी वो टीवी स्क्रीन दे उत्ते नंबर चलने शुरू हो जाएंगे थोड़े समय तक, उन्हां नंबरां दे उत्ते 25 जनवरी तक तुसी सानू गिणती पहुँचाउणी है और 27 जनवरी नूं चुपहरा जप तप समागम की समाप्ति ते ये जिन्हें भी तुसी पाठ किए होणगे ये वड्डी गिणती दे विच असी बाबा दीप सिंह जी नूं उहनां दे आगमन दिन दे उत्ते गुरबाणी दी भेटा ये उन्हां दे चरणां विच असी रखांगे, गुरु पिता दीआं खुशियां लवांगे। ये सारे समागम साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ओफिशियल चैनल, फेसबुक पेज भाई अमनदीप सिंह जी बीबी कौलां वाले उहदे उत्ते लाइव दिखाए जाणगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा दीप सिंह साहिब जी दा संगत रूपी परिवार रोहिणी सैक्टर 16-17 इस खुली ग्राउंड दे विच एकत्रित होया और हो रहा है। इस समय बेअंत परिवारक मैंबर साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल दे माध्यम राही फेसबुक पेज भाई अमनदीप सिंह जी बीबी कौलां वाले उहदे माध्यम राही देशां विदेशां प्रदेशां च जुड़े ने जुड़ रहे ने। सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां दे उत्ते सब तो पहला मैं सिर झुका के मत्था टेक रहा, मेरा टेकिया होया मत्था करो प्रवान, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਬਸ ਰਸ ਲਓ, ਭਾਵਨਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਆਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੋ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ,
पुरख निर्भव निर्मल अकाल मूरत अजूनी सैभ गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पे सच नानको से पे सच एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निर्भव निर्मल अकाल मूरत अजूनी सैभ गुर प्रसाद जप सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सारे सच एक ओंकार सत नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैव गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच सच नन को सिर्फ सच तन गुरु राम दास जी मैं तेरा 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 मैं तेरा वाह
जड़ियां रोज असी दो तीन बिनतियां करदे आं ओ करके फिर अपन शब्द पढ़ने एक बेनती करा पुछ लवां चढ़दी कला च ओ सत श्री अकाल जेडे रोजाना समागम वेखदे ने उहनां नूं पता है जदों मैं पुछना चढ़दी कला च फिर तुसी जकारा ला के चढ़दी कला च बैठे होण दा सबूत देणा मैनूं बड़ी खुशी हुंदी ए सारे परिवारक मैंबर आपां बैठे हां गुरु जी दी मेहर नाल दो तीन जरूरी बेनतियां मैं करनियां उस तों बाद शब्द पढ़ना है पहली बेनती ध्यान नाल सुणिओ परमेश्वर की उपासना करन वालियां दियां सारियां मनोकामनावां पूरियां हो जाण ए नियम नहीं कोई सुणिओ ध्यान नाल सुनना एक एक लफज मैं कीर्तन करदा मैं कहां हुण मैं जिहड़ी अरदास कीती मेरी अरदास ते पूरी होनी चाहीदी है तुसी पाठ करदे हो बाणी पढ़दे हो अमृत वेले उठदे तुसी कहो जो मैं कहा वो मेरी अरदास पूरी होनी चाहीदी ए कोई नियम नहीं सुनियो ध्यान नाल बड़ा तुहानूं बल मिलेगा जबल उपासना करन वालियां दी हरेक मनोकामना पूरी हो जाए ए कोई नियम नहीं परमेश्वर जे तेरी भावना नूं उचित समझदे ने ना तेरी अरदास नूं उचित समझदे ने ते फेर प्यारिओ ओ पूरी कर देंदे ने ते जदों वेखदे ने ना कि इस अरदास दे विच मेरे बच्चे दा हित नहीं है ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਰੋਈ ਜਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਖਡਾਉਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਪਿਓ ਰੋਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਸਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਪਕੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਸੜੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪੂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਦਰਲੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ
ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਬੜਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਭੈੜਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਲਯੁਗ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ? ਸੁਣਿਓ, ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੱਗ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਓਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਜਿੰਨਾ ਤਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੱਗ ਕਰਨੇ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੱਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਫਲ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲਾਭ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਉਹਦਾ ਕਰੋ। ਜੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 500 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਹ ਹੀ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਚਿੱਚੜ ਵਰਗੀ। ਚਿੱਚੜ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਚੜ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ, ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਨਾ ਬਣੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੰਡੀਏ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਕਿਉਂ ਸਾੜਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਿਉਂ ਡੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਗੁਣਾਈਆਂ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 629 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਇਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ।
जिथे जिथे जगह मिले तुसी अगे अगे होके बह जो जी संगत बाद पिछे बैठते जाएंगे गुरु जी की मेहर न आओ बड़े प्यार दे विच सारी संगत कृपा करो कोई रसना मांझी ना रहे जी सत श्री अकाल हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई करियो गुरु नानक दी वडियाई सारे हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई 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 जयकार करे सब कोई जय जयकार करे सब कोई हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई I never
मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई जी हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई हर मन तन वसिया कबीर ते आयो एक रंग नाम देव हर जियो पसे संग रविदास ते आए प्रभ अनूप कौन सी गुरु नानक दे गोविंद रूप जय जयकार करे सब कोई जय जयकार करे सब कोई करोगे कृपा मेरे तो बाद वीर तीजे हिस्से च पैना रज के कृपा करे एक एक चो पन्या पन्या दी आवाज आवे फिर बोलो मेरिया भैणा लाख भगत जाको आराधे लाख तपी सर तप ही साने लाख जोगी सर करते जोगा लाख पोगी सर पोके पोका लाख भगत जाको आराधे गज के गुर की नो मुक्त द्वारा गुर की नो मुक्त द्वारा सब सृष्टि करे जयकारा और सब सृष्टि जय
थोड़ा जिहा समां आपां होर गुरु पिता जी दी गोद विच जुड़न दा यतन करना है। निम्रता सहित मेरी बेनती जिन्हां कोल मोबाइल फोन ने बंद कर देना या साइलेंट मोड ते संगत विच बह के कोई फोन करने सुनने नहीं, फेसबुक नहीं चलाउणी, व्हाट्सएप नहीं, बस जिहड़ा कम करना है वह करिए। जिहड़ा आनंद लैण आए हैं वह आनंद लईए, किसी ने गल्लां बातां वल ध्यान नहीं, यह मेरी बेनती है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार न लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। जिहड़ी असीं पंक्ति पढ़ी है
जड़ा शब्द पढ़े है जिस पंक्ति नु आधार बनाया है। हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई। सारे बोलो जय जयकार करे सब कोई। सारे बोलो ने जी जय जयकार करे सब कोई सब कोई। ए सच्ची गल ए पंक्ति केवल ते केवल गुरु नानक दे लई असी पढ़ सकदे आ होर किसे लई नहीं। जिन्ने भी धरती ते अवतार आए ने सारे सत्कार योग ने सारे पूजन योग ने। पर ए सच्चाई है जेड़ा भी अवतार है ओदे जिन्ने पैरोकार ने जिन्ने ओदे सेवादार ने केवल ओना सेवादारा ने पैरोकारा ने ही अपने अवतार नू ध्याया है। पर गुरु नानक एक एहो जे निरंकारी अवतार ने आप रब ने जिन्हां नू सारी सृष्टि जिन्हां नू सारी सृष्टि धन कहिंदी है। आखो धन गुरु नानक धन गुरु नानक। बड़ी ताकत इस नाम च ना नक नन्ना कन्ना ना वखरा कर दिओ नन्ना कक्का नक वखरा कर दिओ। नक दा मतलब हुंदा है दुख तकलीफ है जी। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾਨਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹੋ ਗਲਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੱਦਰ ਹੈ ਨਾ ਚੱਦਰ ਚੱਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਲੈ ਲਵੇ ਗਰੀਬ ਲੈ ਲਵੇ ਚੱਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਦਰ ਪੈ ਗਈ ਉਸ ਚੱਦਰ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚੱਦਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਚੱਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਔਗਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਪੂ ਪਰਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜੇ ਪਰਦੇ ਔਗਣਾ ਤੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੜ ਜੂਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਓਦਾਂ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਕਸ਼ ਵੀ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। CBSE ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
इस जगह दे उत्ते बाबा दीप सिंह हैल्थ केयर चैरिटेबल हस्पताल चल रहा है। जिस हस्पताल दे विच 20 रुपए की पर्ची दे विच 2 दिन की दवाई और जिन्हें भी इलाज ने इको छत थले हो रहे हैं, दंदा दे इलाज, अखां दे इलाज, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और इस तो इलावा बच्चियां दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर इत्थे बैठते हैं, स्किन दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर इत्थे बैठते हैं और जिन्हें भी इलाज ने इको छत दे थले बिल्कुल लागत मुल दे नाल हो रहे और अपनी अखां नाल आ के वेखो किवें तुहाडे किणके किणके दे नाल गुरु बाबा नानक जी की रसोई चल रही, जिस रसोई दे राही तकरीबन 2500 तो भी वध प्रेमी रोज़ प्रशादा छकते हैं। इस तो इलावा गुरु बाबा नानक जी की चलती फिरती रसोई, जिस रसोई दे राही रोजाना कदी किते कदी किते जिथे जिथे भी लोड़ होंदी है उस गड्डी दे राही प्रशादा पानी तैयार करके लोड़मंद थावां ते पहुँचाया जाता है। इस स्थान के उत्ते बाबा दीप सिंह फ्री टिफिन सेवा चल रही, जिस सेवा दे राही वह बजुर्ग जिन्ना बजुर्गों नू बच्चियां ने घरों कढ दिता, असी जिहड़े सुणदे आ रोज़ असी इहो जी गलती नहीं करनी, पर जिन्हां ने अणजाण पुणे दे विच गलती कीती अपने बजुर्गों नू घरों कढ दिता, प्यारे ओ खाण नू उहनां दे कोल कुछ नहीं, इत्थों तक छत भी नहीं कईआं दे कोल, उहनां दे घरां दे विच दुपहर दे वेले टिफिन विच पैक करके 2 वेले दा लंगर रोज़ पहुँचाया जांदा और तुहाडे दित्ते दसवंध दे नाल प्यारे ओ हर महीने विधवा बीबिया नू फ्री राशन देने की सेवा भी होंगी। और इस स्थान के उत्ते बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी चल रही, जिस अकैडमी दे राही बच्चियां नू गुरमत की सिक्ख्या, तबले की सिखलाई, कीर्तन की सिखलाई, गुरबाणी की संथिया, अमृत वेला संभालना, संध्या का समा संभालना, जीवन उच्चा सुचा, किरदार उच्चा सुचा किवें करना, यह सारी सिक्ख्या दिती जांदी। और इस तों इलावा जो तुसीं किणका किणका दिंदे हो तुहाडे किणके किणके नाल बिल्कुल दूजा यूनिट बिल्कुल नाल ही राम तीर्थ रोड दे बिल्कुल नाल ही दूसरा यूनिट जिथे जी दे आ परवान पार्क दी उह सारी चल रही, टीवी स्क्रीन दे उत्ते सारियां उह तस्वीरां चल रहियां ने। इह जी दे आ परवान पार्क दे विच जिथे पंछियां नूं दाणा पाउणा, खाणा पाउणा इह कम होया करेगा, उत्थे बीमार पंछियां दे इलाज दा हस्पताल भी। इस जगह दे उत्ते सरां दी उसारी कि जदों भी संगतां बाहरों आउण दर्शन करन गुरु रामदास जी दे घर दे, बाबा दीप सिंह जी दे घर दे, ते संगतां इत्थे आ के रिहायश करन, स्टेशन तों एयरपोर्ट तों संगतां दे आउण वास्ते इत्थे गड्डियां दा भी प्रबंध हो जाएगा, जो गड्डियां तुहानूं बाद विच दरबार साहिब दर्शन करा के फिर इत्थे ले आया करनगियां, इह सरां भी बन रही। इस तों इलावा इस स्थान ते बाबा दीप सिंह साहिब जी दे नाम दा वड्डा गुरु घर गुरद्वारा साहब भी और वड्डा दीवान हाल, जिस दीवान हाल दे विच 8 तों 10 हज़ार संगत दे प्रेमी बह सकन, एडा विशाल दीवान हाल उहदी वी कार सेवा प्रारंभ हो चुकी है। हुण मेरी निम्रता सहित बेनती सुनियो, ये जिन्नी भी कार सेवा चल रही है ये हो तुहाडे किणके किणके नाल दसवंध दे नाल रही है। और ये मेरी बेनती प्यारे हो, कोई भी प्रेमी, कईआं दे मन दे अंदर भावना हुंदी है साडे बच्चे दा जन्मदिन या साडी मैरिज एनिवर्सरी है, असी एक दिन दी गुरु बाबा नानक जी दे रसोई दे विच लंगर दी सेवा लैनी, लंगर दी सेवा जो कोई प्रेमी एक दिन दी करना चाहुंदा होवे, वह भी डिटेल किन्नी सेवा है तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते चल रही है। और इस तों इलावा जे तुहाडे मन दे विच ये उत्साह जागे कि असी जो बजुर्गों के लिए टिफिन की सेवा होंगी है, 2 वेले का लंगर जाता टिफिन विच पैक होके, कोई महीने की सेवा करनी चाहे एक परिवार की, वो भी तुहाडे टीवी स्क्रीन के उत्ते सेवा चल रही है, जो आप जी महीने की सेवा भी अपनी झोली च पवा सकते हो। इस तों इलावा जिहड़े हर ऐतवार ते ऐतवार चुपहरा जप तप समागम होंदे ने, जां 27 तरीक नूं चुपहरा हुंदा, उहदे विच कोई लंगरां की सेवा करनी चाहे वह भी डिटेल चल रही। तो इस तों इलावा प्यारे हो, जे तुहाडे मन दे विच आवे इत्थे सहज पाठां दा प्रवाह भी दिने रात चलदा, तुहाडे मन च आवे कि असी खुशी दे विच कोई सहज पाठ करवाउणा, तो सहज पाठ भी इस अस्थान ते असी जिहड़े प्रेमी ने उहनां दा करदे हां, वह भी सेवा की डिटेल तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते चल रही है। मेरी बेनती है मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ दिओ, और जिहड़ा बाबा दीप सिंह जी दा वड्डा दीवान हाल बन रहा, मैं बेनती करदा आ रहा कि एक तेरी दी, 2 तेरियां दी, 5 तेरियां दी, 1300 भावें 10 तेरियां, 100 तेरियां, जिन्नी गुरु ने तुहानू वित दित्ती है ना, ये सारे कार्ज करोड़ों की लागत के नाल
जो बन रहे ने ते ए उदों ही पॉसीबल ने सेवावां जदों तुसी पूरा सहयोग दोगे भावें एक तेरी दो तेरियां पंजाह तेरियां सौ तेरियां जिन्नी गुरु ने तुहानू विच दित्ती इस वेले आप जी फिर अपना दसवंध क्योंकि कई बार असी दसवंध इहो जिहियां थावां ते भेजदे हां प्यारे जिथे अगे बड़े प्रबंध हुंदे ने असलीयत दे विच दसवंध दित्ता उत्थे थाएं पैंदा जिथे सचमुच लोड़ है अपनियां अखां दे नाल आके वेखो और तुहानू बड़ी तसली होएगी जदों वेखोगे साडा दित्ता किणका किणका सही टिकाने लग रहा है सही जगह दे उत्ते यूज हो रहा है ते ए सारियां सेवावां तुसी टीवी स्क्रीन दे उत्ते अकाउंट डिटेलां चल रही ने इन अकाउंटां दे विच सेवा पा के आप जी स्क्रीन दे उत्ते चल रहे नंबरां दे उत्ते संपर्क कर सकते हो कि असी इन्नी सेवा ट्रस्ट नूं पाई है तां जो तुहानूं समय सिर रसीद और सत्कार जो असी भेज सकीए और जिहड़ियां बाहर रहने वालियां संगतां ने विदेश विच रहने वालियां संगतां उहनां दे लई भी खुशी दी गल है कि ट्रस्ट का एफ सी आर ए अकाउंट भी खुल गया वो भी डिटेल तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते आ रही हुण संगत सीधी जो बाहरों कोई सेवा भेजना चाहे वो डिटेल भी तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते आ रही तुसी स्क्रीनशॉट लै लो ये अकाउंट नंबर अपने कोल नोट कर लो जदों तुहाडा मन बने बाहरों सेवा भेजन दा तुसी डायरैक्टली इस अकाउंट दे विच सेवा पा सकते हो अपनी सेवा तुसी सानू गूगल पे पेटीएम फोन पे भी कर सकते वो नंबर भी तुहाडे टीवी स्क्रीन ते चल रहा है 9813 मेरी बेनती हर पल हर घड़ी हर एक कदम दे उत्ते तुहाडियां सीसां दी तुहाडी बख्शीश दी लोड़ है और मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के जदों तुसी साथ दियोगे जिहड़ा साडा मिशन है आप सवरो परिवार सवारो समाज आपे ही सवर जाएगा और जिहड़ा दूजा मिशन के घट तों घट 113 थावां दे उत्ते इह यूनिट खुलण इह मिशन विच असी कामयाब हो जांगे पर होवांगे उदों ही जदों तुसी पूरा अपने परिवारक मैंबरां दे वांग मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ दोगे ये मैसेज नूं वध तों वध शेयर कर देना जी तां जो ये सेवावां दे कारज निरंतरताई दे नाल जारी रह सकन वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी सतसंग जी आप जी के चरणों में सुनिमर बेनती हर एतवार ते एतवार दाता बंदी शोर पब्लिक स्कूल बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड श्री अमृतसर साहब विखे चुपहरा जप तप समागम करवाया जाता है और सारिया संगतां नूं भली भांत पता है जदों संगतां भावना दे नाल शरदा दे नाल गुरु पिता जी की गोद दे विच बह के बाबा दीप सिंह जी दियां वडियाईयां करदियां ने और बाबा दीप सिंह जी दे चरणों दे विच हाजरियां भरदियां ने गुरु पिता जी की गोद विच बह के संगतां पंज पाठ जपजी साहब दो पाठ चौपई साहब एक पाठ सुखमनी साहब जदों संगतां मिल के प्यार नाल करदियां चुपहरा कटदियां ने जप तप समागम विच हाजरियां भरदियां ने और बाबा दीप सिंह जी फिर सारियां दे बंधनां नूं कटदे ने तुसीं चुपहरे कटदे हो बाबा दीप सिंह जी तुहाडी गरीबी नूं कटदे ने तुसीं चुपहरे कटदे हो बाबा दीप सिंह तुहाडियां बीमारियां नूं कटदे ने मैं हजारां तुहानूं प्रेमी इहो जिहे मिला सकदा जिहड़े हर एतवार ते एतवार जदों दे राम तीरथ रोड आउणे शुरू होए ने किवें किवें बाबा दीप सिंह जी ने प्रतक हो के उहनां दे बंधन कट्टे ने अगे असीं चुपहरा करदे सां महीने विच इक वारी हर महीने की 27 तरीक नूं हुण उह वी चुपहरा हुंदा है 27 नूं वड्डा चुपहरा हुंदा है बाबा दीप सिंह जी दे आगमन पुरब दे संबंध च पर चार चुपहरे होर बापू दीप सिंह ने झोली च पाते जिहड़ी अरदास अगे 5 महीने लग जांदे सी मन लो कोई प्रेमी कहिंदा सी मैं 5 चुपहरे कट्टणे ने 5 महीनिआं च कट्टे जांदे सी हुण महीने दे विच ही 5 चुपहरे कट्टे जांदे ने उहो ही अरदास महीने दे विच पूरी हो जांदी गुरु जी दी कृपा नाल ये मेरी बेनती है प्यारिओ हर एतवार नूं सवेरे तकरीबन 11 तो लैके 3:30 बजे तक ये चुपहरा जप तप समागम हुंदा क्योंकि मौसम हुण तब्दील हो गया ठंड वध रही है ते मेरी बेनती है किसी ने भी एतवार ते एतवार आउण तों गुरेज नहीं करना और वहीरां घत के पहुँचना जे किते थोड़ी बहुती ठंड महसूस होवे ना ते साहिबजादियां नूं माता गुजर कौर जी नूं याद कर लिओ ठंड तुहानूं लगेगी नहीं ये मेरी गरंटी है और हर एतवार नूं सवेरे तकरीबन 9:30 बजे बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहब तों
जो संगतां शहर तो आउंदियां ने जां तरन तारण साहिब वल आउंदियां ने उन्हां दे राम तीर्थ रोड आउण वास्ते बसां दा गड्डियां दा प्रबंध कीता जांदा जिहड़ियां तुहानूं गड्डियां इत्थे लै वी आउंदियां ने और वापसी उत्थे छड्ड वी देंदियां ने। भुलणा नहीं हर ऐतवार नूं सवेरे 11 तों 3:30 बजे तक 10:45 तो 11 बजे तक कथा हो जाया करेगी। सारे परिवारक मैंबर 10:30 लास्ट पहुँच जाया करो। पूरे चुपहरा जप तप समागम च हाजरी भरनी 11 तो लैके 2 बजे तक 5 पाठ जपजी साहब जी के 2 चौपई साहब जी के नाल एक पाठ सुखमनी साहब जी का। उस तो बाद तकरीबन 2 तो लैके 3:15 तक दास कीर्तन की हाजरी 3:30 बजे तक पूरी समाप्ति हो जाया करेगी। आओ भागां वालिओ बंधन कटवाउण दा समां बापू दीप सिंह दीआं खुशियां लैण दा समां। कोई भी रह ना जायो जिहदियां जिहदियां फाइलां अजे नहीं ना लगियां चुपहरियां विच आ के अपनियां फाइलां बापू दीप सिंह दे चरणां दे विच अर्जियां अपने बापू दीप सिंह दे चरणां दे विच लवाओ। बापू ने तुहाडी एक एक दी अर्जी कबूल कर लैणी है, ये मेरी पक्की गरंटी है। मैनूं पक्का विश्वास है अपने बाबा दीप सिंह जी दे उत्ते। ये जिहड़े भी चुपहरा जप तप समागम ने ये साढ़े यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल और फेसबुक पेज भाई अमनदीप सिंह बीबी कोलां वाले ये दोवें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उत्ते ये लाइव दिखाए जाते हैं। ये मैसेज नूं वध तों वध शेयर करो और हर एतवार आके राम तीर्थ रोड हाजरियां भरिया करो। बापू दीप सिंह दीआं खुशियां लिया करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।